हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति नासवा सिंह है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे दुनिया के सब लोग जूझते हैं, स्पेशली 50% पॉपुलेशन, जिसको हम लोग फीमेल पॉपुलेशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मास्क रहती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। इसका नाम है आयरन डिफिशियंसी। और एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं ये वाली बात क्यों आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि स्किन और हेयर अंदर के बॉडी के मिरर हैं। स्किन इज़ द मिरर ऑफ इंटरनल बॉडी एंड माइंड। कई बारी आपको सबसे पहली बार सिग्नल्स आपके बाल देते हैं कि आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी है। अगर एक इंसान है, स्पेशली लेडीज, जिन लोगों को बहुत बाल झड़ रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सालों सालों से बाल झड़ रहे हैं और कभी मतलब झड़ने रुके ही नहीं, दे नॉट जस्ट हैप्पी। नॉर्मली हम लोगों के 30 से 100 बाल गिरते हैं। जिस दिन हम लोग हेयर वॉश करते हैं उस दिन ज़्यादा गिरते हैं। जिनके लंबे बाल हैं, क्योंकि लंबे हैं कंघी करके टूटते हैं इसलिए ज़्यादा गिरते हैं। और जिस दिन आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं उस दिन 10 से 30 गिरते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनके गुच्छे 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 गिरते ही जा रहे हैं। ये कई बारी पहली बार ऐसा साइन होता है कि आप आयरन डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको आयरन डिफिशियंसी है? सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका बाल झड़ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हम आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। सिंपल ब्लड टेस्ट लाइक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट और आयरन स्टडी से हम लोगों को मालूम पड़ जाता है। लेकिन कुछ और सिग्नल्स बॉडी दे सकती है, जैसे लेथार्जी। आप उस एक्टिविटी से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, 4-10 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आपको थकान चढ़ रही है, आपकी सांस चढ़ रही है। छोटा बच्चा है, आपने उसको उठाया, उसको नहलाया, उसको छोड़ा, उसको खाना खिलाया और उतने में आप हांफ रहे हैं। दीज बेसिकली कैन बी साइन ऑफ आयरन डिफिशियंसी। दूसरा, डार्क सर्कल्स। आप जब टीनेजर थे तो बड़े ग्लोइंग स्किन हुआ करती थी, एंड उसके बाद जब आप 30 के हुए, 35 के हुए और आप कंटिन्यूअसली डार्क सर्कल्स से जूझ रहे हैं, कोई प्रकार का मेकअप आपके डार्क सर्कल्स को हाइड नहीं कर पा रहा है, ये आपके आयरन डिफिशियंसी का साइन हो सकता है। तीसरा, अगर ये लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को मंथली पीरियड्स आते हैं, तो वैसे भी इन जनरल हीमोग्लोबिन जेंटलमैन से लेडीज़ का कम होता है। लेकिन जिन लेडीज़ को पीरियड्स के आसपास पेन और एक्सेसिव फ्लो की प्रॉब्लम हो, या किसी को जल्दी आते हों 15 से 20 दिन, उन लोगों को आयरन डिफिशियंसी होना लाजमी है। और उसमें आप अपना ध्यान ज़्यादा ना दें ड्यूरिंग पीरियड्स और आप अपने खाने को उस हिसाब से आयरन रिच ना करें, तो आप डेफिनेटली आयरन डिफिशियंसी की तरफ जा रहे हैं। आपके नाखून, नेल्स, ये भी स्किन का पार्ट है, या फिर आपके पाम्स या आपके सोल्स या आपकी जीभ या आपके होंठ, वो उतने पिंक नहीं हैं जैसे दूसरे लोगों के हैं। आपके वो पेल हैं, आपका ये वाला इलाका पेल है, तो फिर ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी का मार्कर होता है। अगर आप लोगों को क्रॉनिक हेयर फॉल है, क्रॉनिक मतलब जो 6 महीने से ज़्यादा हो और वो रुक ही नहीं रहा है, और बाकी इनमें से कोई भी कंडीशन है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका टेस्ट करवाएंगे और जिस तरह से आपका हीमोग्लोबिन या आयरन के स्टोर्स कम है उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। लेकिन आप घर में क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को आयरन डिफिशियंसी से बचा सकें? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। आजकल के जो ये क्रैश डाइट का ज़माना है जिसमें सब लोगों को वेट लॉस करना है, लोग ये भूल जा रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें विटामिंस एंड मिनरल्स एंड आयरन जैसी चीज़ें होती हैं, वो वेट गेन कभी नहीं करती। ये सब चीज़ें हमारी कलर्स में मिलते हैं। तो अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जो भी फ्रूट कट के काला हो जाता है वो बेसिकली आयरन रिच है, जैसे चीकू, केला, एप्पल, ये गुआवा, ये सब कुछ पियर, ये सब आपके आयरन रिच फ्रूट्स होते हैं। दूसरा आयरन रिच फूड होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल बाकी वेजिटेबल्स का कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन भिंडी खाई है, वो आपके पालक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का ग्रीन लीफी हर रोज़ खाना है। अब ग्रीन लीफी मेजॉरिटी जितने भी मैं पेशेंट से डिस्कस करती हूँ, उनको पता है पालक, मेथी, सरसों, बस। धनिया भी ग्रीन लीफी है, पुदीना भी ग्रीन लीफी है, शेपू, चौली, ये सब भी ग्रीन लीफी हैं। और ऐसा इंडिया में तो करीब 5,000 वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स की वैरायटीज़ हैं। मूली आप खा रहे हैं सर्दी के ज़माने में, उसके पत्ते की सब्ज़ी बना लें। स्प्रिंग अनियन है, उसकी सब्ज़ी बना लें। ग्रीन लीफी को दालों में गार्निश कर दें और इससे आपका आयरन हमेशा रिच रहेगा।
जैगरी गुड़, गुड़ को बनाने की पद्धति इस तरह से है कि उसमें आयरन रिच हो जाता है, तो चीनी की जगह अगर हम लोग गुड़ को शिफ्ट कर जाएं उसमें भी आपको काफ़ी आयरन मिलेगा। दो प्रकार के मिलेट्स होते हैं, एक है रागी जिसको महाराष्ट्र में नाचनी भी कहा जाता है और फिंगर मिलेट इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा है कोडो मिलेट। कोडो मिलेट ये दोनों के दोनों जो मिलेट्स हैं ये आयरन रिच होते हैं। इन सब से आप भाखरी रोटी बना सकते हैं, या इनको 8 घंटे भिगो के इनके चावल बना सकते हैं, या इनसे इडली डोसा उत्तपा चीला बना सकते हैं। आप इसे चावल या गेहूं का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आयरन रिच होते हैं। इंटरेस्टिंगली इनमें कैल्शियम भी होता है। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरन बढ़ाने के लिए वो है आयरन के कुकवेयर में खाना बनाना। बहुत प्रचलन चला है एल्यूमिनियम कुकवेयर और नॉनस्टिक कुकवेयर में खाना बनाने का। इनसे काफ़ी हद तक जिंक की डेफिशिएंसीज और हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे जा रहे हैं आजकल। उसको बंद करके पुराने ज़माने की तरफ रुख करें जिसमें लोग आयरन की कढ़ाई में खाना बनाया करते थे, आयरन के डोसा तवा पैन में डोसा, आयरन के तवा में आप रोटी बनाया करते थे। इससे आयरन लीच करता है आपके पदार्थों में, आपके खाने में, और आप उसके बाद आयरन रिच फूड ले सकते हैं। लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि पर मैंने आयरन में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि कालापन आ जाता है, तो आप आयरन में कुक करके उसको स्टील कुकवेयर या सिरामिक कुकवेयर या ग्लास कुकवेयर में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट बैलेंस रखेंगे और अपना खान पान और लाइफ स्टाइल को ठीक रखेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी से होने वाले हेयर फॉल से आप बच सकते हैं। थैंक यू।